हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज दिल्ली में धूप कम है, तेज़ नहीं है और हल्के हल्के बादल हैं। हल्के बादल, बहुत हल्के, कैमरे में दिखाई नहीं दे रहे। मैं आज आपको सुनाती हूँ अपना बचपन का टाइम कैसे बीता था। फिर उससे उसके आगे एक छोटी सी कहानी है, वो भी सुनाऊंगी। तो बचपन कैसे बीता, जब मैं गांव में थी तो मैंने ना 8-9 साल नानी के साथ रहे हैं हम, और उसके बाद फिर पापा के घर पे आ गए थे। 8-9 साल नानी के घर पे रहने का मतलब ये था कि मम्मी जॉब करती थी टीचिंग की, तो नानी अकेली थी, मेरे मामा नहीं थे, तो मम्मी वगैरह सारी बहनें थी, तो मम्मी जॉब करती थी, सबकी शादी हुई, मम्मी जॉब करती, तो नानी की देखभाल के लिए हमें रहना पड़ता था नानी के साथ। तो 8-9 साल हमने खूब मस्ती की, और प्राइमरी तक की पढ़ाई मेरी नानी के यहाँ से ही हुई है, मेरी और मेरी सिस्टर की और मेरे भाई की प्राइमरी तक की पढ़ाई हमारी वहीं से हुई है। तो हम क्या करते थे बचपन में कि जैसे नानी के घर में बगीचे थे, बड़ा था घर, तो घर के आगे बगीचा था, तो हम उसे सगोड़ा कहते हैं गढ़वाली में, तो वहाँ हमने क्या करनी है, खेतीबाड़ी करते थे हम। खेतीबाड़ी मतलब नानी ने अपने घर के आगे कुछ बो देना है, सब्जी वगैरह लगा देनी है, हमने क्या करना है, साइड साइड में ऐसी क्यारियाँ बनी होती थी, और हम बच्चे बच्चे मिलकर क्या करते थे, इधर साइड कोने कोने पे हमने फूल लगा देने हैं, फूलों की बाड़ कर देनी है, कभी कोई गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, रहेलिया का फूल वो लगा देते थे, जीनिया का फूल, और बड़ी लाइन से और बड़े इंटरेस्ट से करते थे हम। बारीक से वहाँ पे खुदाई करनी, मिट्टी बारीक करनी और बीज लाने हैं, और ऐसे हाथों से रुपाई करनी उनकी, तो वो फूल लगाते थे, और 5-6 महीने के अंदर अंदर वो सारे फूल, 5 महीने, एक कोई 1 महीने में हो जाता था, कोई 2 महीने में, कोई किसी को 3 महीने लगते थे। गुलाब का फूल तो सबका फेवरेट होता था हमारा, क्योंकि बड़ी सी झाड़ होती है उसकी, और गुलाबी रंग था, बहुत प्यारा लगता था। तो वो हमने क्यारियाँ बना देनी है, और उसके बाद हम क्या करते थे, जहाँ जहाँ पर खाली मिलती थी, जितनी भी क्यारियाँ थी नानी के घर के आसपास, सब में हमने वैसे ही सेम वैसे ही खेतीबाड़ी करते थे, वैसे ही मतलब। और उसको फिर हम स्कूल में जाके टीचर्स से कहते थे कि हमने घर पे ऐसे किया है, तो फिर बच्चों को काम भी वैसे ही मिलता था, हमारी पढ़ाई भी फिर वैसे ही होती थी स्कूल में भी। स्कूल में भी हमें, तब हम टीचर हमें क्या करते थे कि जो तुम घर में काम करते हो वो स्कूल में भी करना है पढ़ाई के साथ साथ, तो एक सब्जेक्ट और एक पीरियड हमारा उसी का हो जाता था, कृषि का या एक्सरसाइज वगैरह का। तो एक पीरियड हमारा उसी का हो जाता था, तो स्कूल में भी हम 5वीं तक में पढ़ाई करने के बाद हमारा एक क्लास होती थी, जिसमें हमें सुबह, तो हमें क्या करना होता था स्कूल में, सुबह हमको फील्ड होता है, बहुत बड़ा फील्ड होता था स्कूल में, उसकी सफाई करते थे, उसमें कूड़ा करकट जो भरा हुआ होता था वो उठाना होता था, मतलब गंदा वाला कूड़ा नहीं, जैसे कई बार कंकड़ पत्थर, क्योंकि फील्ड में बच्चे नंगे पैर भी चलते हैं कई बार, तो कंकड़ पत्थर उठा के साइड करने, सुबह सुबह जो पहले आएगा स्कूल में प्रेयर से पहले, तो कंकड़ पत्थर उठाने, कीले उठानी, उनको साइड जमा करके रख देना, अलग फेंक देना। और फिर कुछ बच्चे पानी लेने के लिए चले जाते थे, जो पेड़ पौधे लगे हैं वहाँ पे, तुलसी के हो या फूल हो या फल के पेड़ हो, सारे लगे होते थे स्कूल के आंगन में, उनमें पानी डालना और पीने के लिए भी पानी लाना, कुछ ऐसे करते थे। और कुछ क्या करते थे, कुछ बच्चे करते थे कि जो रजिस्टर होते हैं अटेंडेंस के या जितने भी रजिस्टर होते थे टीचर के, वो सारे ला के टीचर के सामने रख देने, उसकी पोटलियाँ बनी हुई होती थी हरे कपड़े में, लाल कपड़े में, वो टीचर के प्रिंसिपल जो होती है हमारी हेड मिस्ट्रेस, उनके सामने रख देते थे, वो उनका काम सौंप देते थे, और सब अपने अपने काम पे लग जाते थे। तब होती थी प्रेयर हमारी, और प्रेयर में सबने एकदम ध्यान से प्रेयर करनी होती थी, और ध्यान से प्रेयर करने के बाद फिर बैठ जाना और अपनी अपनी क्लास कक्षा में चले जाना, या अपने अपने जहाँ पे कक्षा के लिए पढ़ाई के लिए बोला गया वहाँ पे बैठ जाना, तो ऐसे पढ़ाई होती थी। और सर्दियों में तो आग जलाने के लिए लकड़ी भी लाते थे, कई बार ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है स्कूल में, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं सहन नहीं कर पाते, तो लकड़ियाँ लेके रखते थे, घर से ही लेके जाते थे। और फिर परीक्षा के टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें होती थी, लेकिन मिट्टी वगैरह का काम भी दिखाना होता था कि तुमने क्या काम करवाया बच्चों से, वो दिखाओ,
तो रस्सी, मिट्टी के बर्तन, रस्सियाँ बनाना, झाड़ू बनाना, ये सब हमें प्रैक्टिकल सिखाया जाता था क्योंकि वहाँ का काम ही होता है तो सिखाना पड़ता था। तो बच्चे भी सीखते थे और बड़े इंटरेस्ट से सीखते थे, तो वो सब दिखा के हम वैसा काम करते थे। पर स्कूल का मुझे यही टाइम बताना था आपको कि हम कैसे घर में और स्कूल में दोनों मैनेज करके करते थे। और वो टाइम अगर यहाँ शहरों में बच्चे करें ऐसा, तो बड़े अच्छे से मैनेज होगा उनका दिमाग और उनका जो टाइम टेबल है घर और बाहर का, सुधरे रहेंगे बच्चे, जो मैं यहाँ कम देखती हूँ बच्चों में। क्योंकि यहाँ के बच्चे ना ज़िद्दी होते हैं कि नहीं, हमें वीडियो गेम चाहिए, हम वीडियो गेम से ही खेलेंगे, हमने आगे क्या करना है पहले से सीख के रखेंगे। जबकि अगर पहले घर का माहौल और हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दें तो वीडियो गेम वगैरह भी चलता रहेगा, बट ऐसा नहीं है बच्चों में। यहाँ बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं और साथ नहीं देते हैं पेरेंट्स का इतनी जल्दी, मैंने अपने घर से देख लिया है जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं। और ऐसे ही बाहर भी होगा क्योंकि वो बाहर से ही पढ़ के आते हैं, बाहर से ही बच्चों से दोस्ती करके आते हैं, तो वो जो सीखते हैं और जो माहौल देखते हैं वो घर पे भी करेंगे। तो मैं अपना इसीलिए एक्सपीरियंस बता रही थी और इतना ही बता पाऊँगी क्योंकि अभी मेरी बैटरी फ़ोन की लो हो रही है। तो आप देखते रहिए, सुनते रहिए और मुझे कमेंट में बताते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।